देखिए 15 जनवरी की आज तारीख है, मकर संक्रांति मनाई जा रही है और ये पर्व जो है चूड़ा दही का वो लालू आवास पर भी मनाया जा रहा है। 10 सर्कुलर आवास के बाहर हमारी मौजूदगी है और तस्वीरें देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं राबड़ी आवास चूड़ा दही खाने के लिए। आप तस्वीरें में देख रहे हैं विजय चौधरी भी मौजूद है, बिहार सरकार में मंत्री है, ललन सिंह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, ये तमाम नेता जो है बिहार के जो बड़े नेता हैं जदयू के, ये सभी लोग पहुंचे लालू आवास पर। अब जो कहानी सामने निकल कर आ रही थी, कयास लगाया जा रहा था कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार पहुंचेंगे लालू आवास, पहुंचे नीतीश कुमार लेकिन महज 7-8 मिनट के लिए ही गए। फॉर्मेलिटी जो निभाया जाता है, जो औपचारिकता होती है राजनीति में, वो नीतीश कुमार ने उसका निर्वहन किया है और उसके बाद नीतीश कुमार वापस लौट गए हैं अपने आवास पर। काफी भीड़ जुटी हुई है राष्ट्रीय जनता दल के राबड़ी आवास पर, आप कहिए तो। एक तरीके से बिहार में जो एक कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, चूंकि संयोजक पद जब उन्होंने ठुकराया, जो कन्वेनर का पद उन्होंने 2 दिन पहले ठुकराया, उसके बाद से ये लगातार खबर चल रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सबको चौंकाया है, फिर से एक बार नीतीश कुमार ने अपने स्टैंड को इस तरीके से रखा है कि कोई भी इस पर कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में उनकी नाराजगी की खबर आती है, कांग्रेस से अदावत की खबर आती है, कांग्रेस से उनकी पार्टी का नहीं बन रहा है, बयानबाजी पर बयानबाजी हो रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार राजद के साथ रिश्ते सहज हैं इसका संदेश भी देने के लिए अभी से कुछ देर पूर्व राबड़ी आवास पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चूड़ा दही खाया है। हालांकि अंदर मीडिया की एंट्री जो है वो बैन है, नहीं जाना है मीडिया के लोगों को, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं उससे आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार फिलहाल बीजेपी को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि उनको उधर आने का कोई बहुत उतावलापन, आतुर नहीं है नीतीश कुमार। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर आज 15 जनवरी को निकल कर सामने आई है, नीतीश कुमार 10 सर्कुलर आवास पहुंचे हैं, राबड़ी आवास पहुंचे हैं, जहां पर चूड़ा दही का एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। तो बिहार की राजनीति में आखिर क्या होगा, महागठबंधन में क्या होगा, किस तरीके से सीट शेयरिंग होगा, ये तमाम सवाल हैं जिसके उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं, तलाशे जा रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कितने सीटों पर लड़ेंगे और जो एक खींचतान इंडिया गठबंधन में चल रहा है कांग्रेस के बीच जदयू के बीच, वो कैसे सुलझेगा। इस बीच नीतीश कुमार ने सबको चौंकाया जब वो 10 सर्कुलर आवास पहुंचते हैं, तो नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति को कंफ्यूज रखे हुए हैं, एक अबूझ पहेली के रूप में खुद को आज दिखाया है। देखिए लगातार ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार अगर आज नहीं पहुंचते हैं 10 सर्कुलर आवास, तो उसके बाद पिक्चर बहुत क्लियर होगा कि महागठबंधन में उनकी नहीं बन रही है। लेकिन परसों शाम जो नियुक्ति पत्र वितरण हुआ उसमें तेजस्वी के साथ उनकी केमिस्ट्री, और आज फिर चूड़ा दही के भोज में पहुंचना नीतीश कुमार का ललन सिंह के साथ, विजय चौधरी के साथ, एक बड़ा संदेश है कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे आज भी खुले हुए हैं, ऑप्शंस खोल कर रखते हैं नीतीश कुमार। इसके माहिर खिलाड़ी हैं बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में, ये उनकी पहचान रही है। तो आखिर क्या होगा बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में, आपको याद होगा इफ्तार का दावत, उसमें नीतीश कुमार पहुंचे थे, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज देखा जाए नीतीश कुमार का, हाँ ये भी एक चर्चा का विषय है, जो बॉडी लैंग्वेज देखिए नीतीश कुमार का, जो फेशियल एक्सप्रेशन आप कहिए, जो चेहरा देखने को मिला है, उससे भी कुछ कयास नहीं लगाया जा सकता कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए द बिहार टॉक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।